समाजवादी पार्टी छोड़कर कई बड़े पदाधिकारी लगातार भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर हारून राइन जी, जो राष्ट्रीय पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं और समाजवादी पार्टी में कई बड़े पदों को भी सुशोभित कर चुके हैं। उनसे बात करें सर, अभी अभी आपने समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की है, क्या कारण रहा समाजवादी पार्टी छोड़ने का और भाजपा को ज्वाइन करने का? समाजवादी पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण रहा, समाजवादी पार्टी जातवाद की बात करती है, यादव मुस्लिम की बात करती है, पीडीए की बात करती है। इन कारणों से समाजवादी पार्टी में मुझे अच्छा नहीं लगा। जो बंटवारे की बात करेगी वो देश को आगे नहीं ले जा सकती, इसलिए समाजवादी पार्टी को मैंने रिजाइन दिया। लगभग 20 वर्षों तक आपने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, कई बड़ों पदों पर भी आप रहे। कितनी गंभीर स्थिति बन गई थी कि आपको पार्टी छोड़ने तक की नौबत, और आपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व से इस पर बात करी या उन्होंने किसी तरीके से आपको मनाने की कोशिश करी थी? देखिए, असल में उनकी कथनी और करनी में फर्क आ गया था। जब तक माननीय नेताजी हमारे समाजवादी पार्टी का संचालन कर रहे थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब तक समाजवादी और समाजवाद पूरी तरीके से देश प्रदेश में अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन जहाँ पर नीतियों का फर्क आ गया, जब अपने लोगों पे उनको भरोसा नहीं रहा, तो आम आदमी उन पर भरोसा करके कहाँ से पार्टी के साथ सहयोग कर सकता है जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाजपा की किन नीतियों से प्रभावित होकर आप भाजपा में सम्मिलित हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी की सभी नीति बेहतर हैं और बहुत अच्छी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भेदभाव की बात नहीं है, कोई बंटवारे की बात नहीं है, कोई जातवाद की बात नहीं है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, माननीय मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर क्षेत्र के, हर जात के लोगों को जो जिस लायक है, जिसको जो चीज़ मिलने की वो है, वो सभी को मिलता है। और कोई योजना ऐसी माननीय मोदी जी ने नहीं बनाई कि ये योजना सिर्फ इस जात के लिए है। जो भी योजनाएं बनाई हैं वो सभी जातियों के लिए बनाई हैं। इसलिए जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये एकदम सच है। और इन्होंने, माननीय मोदी जी ने ये करके देश को दिखा भी दिया कि सबका साथ सबका विकास कैसे किया जाता है। पिछले दो कार्यकाल अगर हम आपसे बात करें कि दो कार्यकाल रहे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको कैसे देखते हैं, कितना देश ने प्रगति की है और देश के लोगों का कितना उत्थान हुआ है उससे? बहुत हुआ। दो पंसाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया, 10 साल पहले जैसे किसान भूखमरी की कगार पे था, भूख की वजह से मर जाता था, आप बताइए इस 10 सालों में कोई किसान, कोई गरीब आदमी भूख से मरा है क्या? क्योंकि अब जब से माननीय मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर आई है, कोई आदमी भूख से नहीं मरा। तो सबसे बड़ा काम तो यही किया है कि अपने परिवार को उन्होंने देखने का काम किया, अपने परिवार में किसी को भूखा मरते हुए नहीं देखा। दर्शकों, आपको एक खास बात बताते हैं, डॉक्टर हारून नाइम ने एक प्रण लिया है कि यदि भाजपा का जो नारा है अब की बार 400 पार, यदि वो पूरा होता है, भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतती है, तो ये भारत की प्रसिद्ध दरगाह अजमेर शरीफ तक पैदल यात्रा करेंगे और वहां जाकर चादर चढ़ाएंगे। इनसे पूछते हैं क्या कारण है जी सर, आप अजमेर शरीफ तक पैदल जाने की बात कर रहे हैं यदि भाजपा 400 पार होती है, क्या वजह है इस प्रण को लेने की? ये सच है, बिल्कुल सही है, मैंने ये प्रण किया है और मैंने ये मन्नत मांगी है कि माननीय मोदी जी 400 पार सीट आएंगी तो मैं यहाँ से अजमेर शरीफ तक पैदल जाऊँगा। उसकी सबसे बड़ी
जो अब सोच है वो ये इसलिए है कि जब माननीय मोदी जी देश में 18-20 घंटे काम कर सकते हैं तो हम उनके लिए क्या इतना काम नहीं कर सकते? यहाँ से कितना है? 700 किलोमीटर पड़ेगा, 800 किलोमीटर पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो आदमी 10 साल से लगातार 18-20 घंटे कार्य कर रहा है और उसको फिर से कुर्सी ऊपर बैठालने के लिए अगर यहाँ से अजमेर शरीफ तक पैदल जाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कम है। अगर यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना होता तो भी हमारे लिए कम था, क्योंकि माननीय मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को विकसित बना कर कराने का काम कर रहे हैं, देश को विकासशील बनाया है और हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने को सिखाया है। इसीलिए माननीय मोदी जी की हर नीति से प्रभावित होकर उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैंने मन्नत मांगी है और ये करके दिखाऊंगा। कल आने वाले कल आप देख लीजिएगा, 400 पार तो 400 पार। तो हमने बात करी डॉक्टर हारून राइन जी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी की कुछ नीतियां गलत हो चुकी थीं, समाजवादी पार्टी जातिवाद में फंस चुकी थी, वो मुस्लिम और पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन उनके विकास के लिए कोई बात नहीं करते, इसी से अप्रभावित होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, भाजपा की सभी नीतियों को इन्होंने देश हित में बताया। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि यदि भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतती है तो वो अजमेर शरीफ तक पैदल जाएंगे।